वही गोलगप्पे को हम जो असली गोलगप्पा उसको दिखाते हैं आपको फोड़ के। देखिए आज की रेसिपी आपको सिखाने के लिए थी केवल कि जब सर्दियों में ऐसा हो जाए तो ऐसा करें, और सूजी वैसी हो जाए तो वैसे करें, और किस प्रकार करें, जब भी ना आए तो किस प्रकार करें, फिर क्या क्या करें, यह सिखाने के पर्पज से आज हमने इस रेसिपी को खराब किया जानबूझ के। तो दोस्तों आज का सार कुछ इस प्रकार है कि हम बनाने तो चले थे सूजी गोलगप्पे, लेकिन हमारे ही रेसिपी का मोय मोय हो गया। आप पूछोगे मोय मोय कैसे हो गया, तो जी हमने सूजी के गोलगप्पे बनाए थे और पैकेट बंद सूजी लाए थे हम बढ़िया वाली, लेकिन हमारी रेसिपी का जो मोय मोय हुआ है ना सूजी गोलगप्पे वाली का, वह आपको आगे देख के पता चलेगा। और लेकिन हमने पहले अपने वीडियो में बता भी चुके हैं आपको कि अगर यह सूजी है अगर बिगड़ गई ना तो अच्छे अच्छे हलवाई को नाकों चने चबा देती है, और सेट हो गई तो एक मिनट में ही गोलगप्पे बना के दिखा देती है। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हमने उस सिचुएशन को संभाला, और जैसा कि आपके साथ होता है आप गोलगप्पे बनाते हो तो ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप पजल हो जाते हो, दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका मूड ख़राब होता है। तो हमने इसी के जरिए आपको और सिखाने की कोशिश की कि देखो जब सूजी का डो बिगड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीके अजमाने चाहिए, वही सब आज आपको दिखा रहे हैं हम। इसमें आप सीखिए, ट्राई कीजिए और बनाइए गोलगप्पे। तो जी हमने हमेशा की तरह हर रेसिपी की तरह एक पाव सूजी ली और उसमें 75 ग्राम गर्म ऑयल डाला, चम्मच से नाप के डाला वो भी नए तरीके से, और हल्का सा मीठा सोडा डाला, सर्दी का टाइम है, गर्म पानी डाला 100 ग्राम चम्मच से नाप के वो भी, और हमेशा की तरह इसको अच्छी तरह से मल के मसल के एक डो अपना डो बना लिया, थोड़ा सा पानी कम लगा था 2 चम्मच और डाला, और बढ़िया सा डो बना के इसको रेस्ट करने रख दिया 15 मिनट। फिर निकाल कर हमेशा की तरह हर रेसिपी की तरह इसको खूब मसला हमने मीड़ा इसको अच्छी तरह हथेली से, इस प्रकार देखिए सारे हमने गर्म करके, मतलब जो जो जैसे भी रेसिपी हम बताते हैं वो सारे उसी प्रकार से उठा के पटका भी इसको सारे तरीके से, हमारा काम सही चल रहा था अभी तक, लोइयाँ भी बना चुके थे हम, गोल भी कर चुके थे, और सारा काम हमारा हमेशा की तरह नियम अनुसार सही चल रहा था। फिर जो हुआ ना मोए मोए गोलगप्पे बनाते टाइम में, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए अब आ गया वो सीन, आंच को मीडियम कर दिया, अब एक ट्राई करते हैं हम एक गोलगप्पा बना के कि गोलगप्पे हमारे बन रहे हैं या नहीं। तो एक लोई लिए हमने इसमें से, और देखो किस प्रकार बेलना है आपने, ये चकले में रख लेना, हल्का सा हथेली से इसको दबा लेना। अब एक बार बेलना है, चाहे गोल बेलो चाहे लंबा, ये आपके ऊपर है, और ऐसे उठा के देखिए इतना मोटा बनाना है आपने, ये देखिए ये है गोलगप्पा, ठीक है जी, इसी साइज का बनाना, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं, देखिए जी इसी प्रकार बनाना है आपने, ये देखो कितना मोटा है और कितना पतला है ये देख लीजिए, ठीक है। ट्राई करते हैं हमारी आँच हुई है नहीं, गोलगप्पा सेकने के लिए तैयार। चलो भाई रामलाल क्या कर, अरे वाह तैयार है जी सब कुछ, सूजी भी हमारी सेट है एकदम, आँच भी हमारी सेट है। तो चलते हैं फिर गोलगप्पे बना के इसमें डालते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन सा फूलेगा कौन सा बिचकेगा, ये देखना है आज इनका, क्योंकि अपने सारे नए तरीके अजमाए हैं सर्दियों वाले और आपको सिखाया है। ये हल्का सा थोड़ा सा अभी करंट कम दे रहा है, इसने भी थोड़ा सा करंट कम दिया है, इसने भी थोड़ा करंट कम दिया है। अब क्या करना है, जब आपके सामने ऐसी पोजीशन आए कि आधा फूले और आधा पिचके गोलगप्पा, तो आपने क्या करना है, स्लो, और इनको तो आप पापड़ी के रूप में बना लेना, कोई बात नहीं है। जैसे हमने ये चाहते तो हम छुपा सकते थे प्रोसेस, अब ऐसे क्या करना है, सारी गोलियां लेनी है दोबारा से और इनको पड़ा रहना सबको साइड में, ये सबका डो बना दिया हमने दोबारा से। अभी इसमें चाहिए थोड़ी लकड़ाई, थोड़ी लकड़ाई चाहिए इसमें, ये हम थोड़ी लकड़ाई लगाएंगे इसमें दोबारा से, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप समझ लो सूजी अभी मलाई सही नहीं हुई है सूजी की, सूजी एक साल नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा सा लगड़ा और लगा दें आप ऐसे, इसको निकाल देते हैं हम, और इस पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालें हल्का सा, ये उठा के पटकना जरूरी है। अब फिर दोबारा से इसकी लोई बना लेंगे हम,
लोई फिर बना लिया हमने दोबारा से उतनी लोई, बाकी सारे को डो में तब्दील कर दिया था हमने, साथ के साथ मारेंगे इसको। और अब शुरू करते हैं बेलना दोबारा से, देखते हैं हमारा डो तैयार हुआ है कि नहीं दोबारा से। ठीक है जी, गमले थोड़े पीछे कर दें, बेलन में लगते हैं फ्लावर पार्ट। और ये लोई आँच हमने कर लिए फिर मीडियम, और करते हैं शुरू बेलना। चाहते तो हम इस वाले स्टेज को आपसे छुपा सकते थे, और जब बढ़िया बनते ना तो वो दिखा देते, देखो अब बन के तैयार हुआ हमारा गोलगप्पा, अपने आप पलट गया। और इस चीज़ को हम छुपा लेते और बना के दिखा देते, लेकिन नहीं, हम तो आपको सिखाना चाहते हैं। ये देखो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका दिमाग खराब होता है, क्या करें, उन्होंने तो ऐसे बताया था, हमारे तो बन रहे नहीं है, तो ऐसे दिमाग खराब होता बहुत। तो वही चीज़ हमने बताई है, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप ये ऐसे ये वाला जो हमने काम किया है दोबारा से अटकना पटकना मलाई करना और दोबारा लोई बनाना, ये करना है आपको। ठीक है जी, अब देखते हैं पहला तो हमारा उस जब भी भूला तो सही, अब भी भूला तो, और बाकी के क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। चाहे गोल बनाओ चाहे लंबे, बिलाई एक सार होनी चाहिए। तो देखिए जी, मोटाई पतलाई वही है, उसी तरीके से मोटाई पतलाई, ज़्यादा कोई नहीं है। ये देखो आप सारे फूल हैं, वो हमने आपको दिखाया था ना, देखो मोटाई पतलाई, तो शर्मा गया वो, बाकी सारे फूलेंगे जो हमने हाथ में लेके दिखाया था आपको, वो शर्मा गया, इसने फूलने से मना कर दिया, कह रहा मैं तो पापड़ी देवी बनूंगा। और ये देखो ये गोलगप्पा चंद बना है, तो इनके ऊपर होता है ये जो भी कुछ होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, सब इनकी मर्जी है। ये देखिए जी, बिल्कुल हम अनाड़ी के तरीके से बना रहे हैं, जैसे आप घर में बनाते हो ना उसी तरीके से बेल के बेलना सिखा रहे दिखा रहे हैं आपको, जिससे कि परफेक्ट तरीके से बनाते हैं हम, तो आप पकड़ ही नहीं पाते हमारी कारीगरी को। लेकिन हम तो बिल्कुल अनाड़ीपन की तरह, देखो बेलते में ऐसे भी हो जाता है, तो हम तो बिल्कुल अनाड़ीपन की तरह बेल रहे हैं जैसे आप घर में बेलते, परफेक्ट कोई नहीं होता, सीखते सीखते सब परफेक्ट हो। सर्दी के मौसम में यही दिक्कत आती है, देखो एक पापड़ी ऐसी एक ये बन चुकी है, गर्मी में तो फटाफट मारो बेलो और डाल दो, सारे फूल जाते हैं। लगभग कढ़ाई भर चुकी है हमारी, रिजल्ट अभी 80% आ रहा है, 100% पर परफेक्ट नहीं आया, तो इसके लिए अभी हम आपको एक नई ट्रिक और बताते हैं। फूलने से हमारे 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके लिए फिर इसको अभी थोड़ा सा रगड़ाई मिलाई की ज़रूरत है इस डो को। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रिफाइंड में लगा लेंगे जब तक ये गोलगप्पे होते हैं, जब तक हम इसको कर देते हैं सेट। बस दिक्कत यही आती है सर्दियों में, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं आती। ये तोड़ तोड़ के देखो रगड़ाई कर रहे हैं, इसकी मलाई कर रहे हैं, इसी प्रकार आपको करनी है। दाने हैं इसके अंदर अभी, जब ये दिक्कत पड़ती है बिल्कुल दाने एक सार हो जाएंगे ना रगड़ते हुए, फिर अपने आप सही बन जाएंगे, ये डो गोलगप्पे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये गान हमारा तैयार हो चुका है, देखो जी 80% का रिजल्ट है इसके अंदर। अभी हम आपको ये हम बना के नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, हम कमेंट में भी किसी भी गोलगप्पे की वीडियो और देख लो, हमने A to Z समझाया हुआ सबको। अगर कमेंट कोई करके पूछता है भैया ऐसे भैया कैसे, तो हम पूरा उसमें रेसिपी वाला तरीका बिल्कुल कमेंट में ही बता देते हैं, आप ऐसे करो जी, आप ये रिफाइंड ऑयल यूज करो, आप ऐसे ये इस तरीके से करो, आप उस तरीके से करो। चाहो तो आप हमारे गोलगप्पे की जितने भी वीडियो हैं उन पर कमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे हो चुके हैं गोलगप्पे, जैसे भी हैं टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं, टेढ़े हैं मेढ़े हैं कैसे भी हैं, लेकिन हम तो कहते हैं टेढ़ा है तो मेरा है। लो जी ये यहाँ निकाल दिया हमने, आप ये जो बैच बनेगा उसमें दिखाएंगे आपको क्या रिजल्ट आता है। ये सिचुएशन आती है सर्दियों में, इसको दिखाने के लिए आपको सिखाने के लिए ये हमने आज रेसिपी बनाई है, वरना हम सारी वीडियो स्किप कर देते और बढ़िया
जो फूलते हुए गोलगप्पे का ये बीट शॉट होता है ना, वो दिखा देते आपको, देखिए किस प्रकार बने हैं, आप भी खुश रहते हैं, बड़े बड़े बढ़िया बन रहे हैं, और जब बनाते तो टाइट टाइट फेस। तो लो अब दोबारा हमने फिर कर लिया, दिखाते हैं आपको। तो लो जी फिर हमने दोबारा से लोइयाँ बना ली हैं अपनी, और फिर शुरू करते हैं आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। हमारा पर्पज आपको सिखाने का, जब जब ऐसी परेशानी आए, क्या दिक्कत आए, क्या क्या करना चाहिए, ट्रिक है लोई वाली, ठीक है। फिर ले ली हमने लोई आँच अपनी, जब हमने इसको रगड़ा वगड़ा लगाया था तो बिल्कुल लो कर दी थी, अब तैयार है बेल के सेकने के लिए, तो हमने इसको मीडियम कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है, आज का विशेष ख्याल रखना है, फुल फ्लेम नहीं करनी है। ये देखो एक साथ गोलगप्पा मिलेगा ना, लंबाई ना मोटाई, इस तरफ से ना मोटाई उस तरफ से, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए जी, पहला वाला डालते हैं वो भूल जाता है, दूसरे वाले आनाकानी करने लग जाते हैं, चक्कर क्या है, क्यों भाई क्या चक्कर है तुम्हारा। चलो एक ट्रिक और आजमाते हैं, आज फुल फ्लेम पे करते हैं। ये तो रिफाइंड थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो हम इसको लो पे कर देंगे। लो जी हमने फिर अपनी लोई सेट कर दी है, रगड़ के मीड़ मार के मलाई करके डो को सूजी के, और अपनी लोई काट ली थी, और अब करते हैं शुरू। देखो थोड़ी सी आँच हमने इस बार बढ़ा ली है हल्की सी, ये भी एक ट्रिक है। हाँ सारी ट्रिक आपको बता देंगे, ऐसे हो तो वैसे करें, वैसे हो तो ऐसे करें। ये देखो जी बेल लिया हमने, एक सार बेल के आपने डालना है, क्या कहता है भाई। ये तो पहला वाला तो हमेशा कहता है 100%, लेकिन जब दूसरा डालते हैं तो वो पापड़ी और पता नहीं क्या कहते हैं। ये भी 100%, देखो पहला हमेशा दो घन दिखाया आपको, दोनों में ऐसे हुआ है। अब ये दूसरे वाला बताएगा क्या कहता है। हाँ भाई तू क्या कह रहा है, जब ही डालेंगे और गोलगप्पे सेक के, वरना रेसिपी ओह कमाल हो गया भाई। ये देखो जी ये ट्रिक कामयाब हो गई। ये देखो जी अब बस रुकना नहीं चाहिए, हाथ बेलते जाओ डालते जाओ, सेट हो चुकी है हमारी सूजी। अब कोई मलाई की रगड़ाई की कमी थी जो हमने पूरी कर दी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि मलाई रगड़ाई सर्दियों में सूजी ज़्यादा मांगती है गर्मियों के मुकाबले। ये देखिए जी रिजल्ट देखो आप, 100% ओके वाली रिपोर्ट। तो घर में आप तो आपको का ट्रिक पता होगी, घर पे तो आप पजल होके सूजी को फेंक देते होंगे, लेकिन हलवाई लोग नहीं फेंकते, क्योंकि उन्होंने तो 5-5 किलो 6-6 किलो सूजी लगाई होती है, उसको फेंकेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, तो वो ट्रिक अजमा के उसको काबू में ले लेते हैं। फिर ये कुछ खास टिप थी जो हमने आपको बताई गोलगप्पे बनाने की। देखिए जी बाकी को जब तक ये सीखेंगे, बाकी का भी लोई बना लेंगे इसी प्रकार। अब ये जो इससे थोड़ा थोड़ी देर और मैदा ये सूजी रखी हुई सेट हो जाएगी, तो इसके बाद जो घान बेला जाएगा ना उसका रिजल्ट और बढ़िया आएगा। देखो अभी ये देखो दो दो कर रहे हैं हम, आप इसी प्रकार दो दो बना लें। इस बार लोई का थोड़ा साइज छोटा रख दिया हमने, क्योंकि ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, फूल रहे हैं। तो दोस्तों हमने इस प्रकार का ही ट्रिक अजमाई, कभी ऐसे करके, कभी रगड़ के, कभी मसल के, कभी तेज आंच पर, और हमने अपनी सूजी को कामयाब कर लिया। 90% फेंकनी नहीं पड़ी हमें सूजी, वरना उसकी पापड़ी सेकनी पड़ती। और हमने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं हम आपको। आप देखिए जो भी हमने ट्रिक अजमाई है उन्हीं को आप सीखिए और इसी तरीके से अजमाइए, तो आपकी रेसिपी सक्सेसफुल रहेगी हमेशा गोलगप्पे बनाने की। जिस प्रकार देखो हमने बना लिए, 90% हमने गोलगप्पे तैयार कर लिए, टूटे फूटे जैसे भी दबे पिचके बने आपके सामने हैं। अगर आपको रेसिपी ये पसंद आई हो तो लाइक करें, वैसे तो हमारी फेल रेसिपी है ये, लेकिन फेल को थोड़ी थोड़ी 90% हमने सक्सेसफुल बना लिया। इसी प्रकार आप भी कोशिश करें और गोलगप्पे बनाएं सूजी के, और अब नई जो रेसिपी लाएंगे उसमें और परफेक्ट ट्रिक बताएंगे आपको। और देखो जी गोलगप्पे को हम जो असली गोलगप्पा उसको दिखाते हैं आपको फोड़ के।
देखिए तो कैसी लगी आपको हमारी फैल रेसिपी आज गोलगप्पे की, तो कैसी लगी आपको हमारी फैल रेसिपी गोलगप्पे की आज की, पसंद आई तो लाइक करें डबल, सब्सक्राइब करें डबल, शेयर करें डबल, सब कुछ करें डबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको परफेक्ट रेसिपी हम बना के दिखाएंगे, जैसे पहले हमने वीडियो डाली हुई है सारी परफेक्ट रेसिपी की। आज की रेसिपी आपको सिखाने के लिए थी केवल कि जब सर्दियों में ऐसा हो जाए तो ऐसा करें, और सूजी वैसी हो जाए तो वैसे करें, और किस प्रकार करें, जब भी ना आए तो किस प्रकार करें, फिर क्या क्या करें, यह सिखाने के पर्पज से आज हमने इस रेसिपी को खराब किया जानबूझ के। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।